मैं जानता हूं दोस्तों, मैं कोई सरकारी सर्कुलर नीचे निकाल करके बच्चों की जिंदगी नहीं बना सकता, मुझे उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, जी जान से जुटना पड़ेगा। और उस समय यानी बारिश के बाद अगर मैं खेत में काम करूं तो काम का है, परीक्षा के दिनों में उसकी बड़ी ताकत होती है। और इसलिए मैं हर साल रेगुलरली ये कार्यक्रम करता हूं, क्योंकि मेरे मन में यही होता है कि इन बच्चों के साथ मैं कुछ बातें करूं, खुल करके बातें करूं, हो सकता है किसी को एक आध चीज काम आ जाए, उनके मन को छू जाए, उनका हाथ पकड़े, उनकी हैंड होल्डिंग करे, उनके माँ बाप को लगे, टीचर को लगे। साथियों, ये सारे काम, मैं तो रील बनाने के लिए समय नहीं निकाल सकता, तो मैं ऐसे काम कर लेता हूं, लेकिन आप तो वो भी कर सकते हैं जी। क्या हम ऐसा कंटेंट और ज्यादा बना सकते हैं जो यूथ में ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट्स को लेकर अवेयरनेस लाए? हम बिल्कुल दावे से क्रिएटिव वे में समझा सकते हैं कि ड्रग्स इज नॉट अ कूल फॉर यूथ। मन्ना क्या है यार, कूल हॉस्टल में बैठे हैं, ऐ कूल। साथियों, इसमें बहुत बड़ा, और आप लोग हैं बड़े, क्योंकि आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। ये बात सही है, ये मेरा परिवार है। साथियों, मैं जो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा था, और एक क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ, और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं, और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो, तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो। ये उस तक पहुंचना जरूरी है जी। उसको कभी ये मत कहिए किसको वोट दो, लेकिन आप उसको तो जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए। वो तय करेगा किसको देना किसको नहीं देना, वो तय करेगा, लेकिन वोट देना चाहिए ये उसको जरूर कहना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे देश में, दुनिया के देश जहां जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती गई, वोटिंग पैटर्न घटती गई,
दुनिया में देश समृद्ध हुए, लेकिन समृद्धि तक ले गए और बाद में लोकतंत्र की दिशा में गए। भारत शत प्रतिशत लोकतंत्र के ही अधिष्ठान को लेकर के, समृद्ध राष्ट्र बनने के सपने को लेकर के चला है और दुनिया के लिए मॉडल बनने वाला है जी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा मॉडल बनने वाला है, लेकिन उसमें मुझे मेरे देश के नौजवानों की भागीदारी चाहिए। 18, 19, 20, 21 साल के देश साथियों, हम अपने आसपास देखते हैं कि जो दिव्यांगजन होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, उसमें बहुत प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है। आप उनके लिए भी एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे दिव्यांगजनों में जो इनहेरेंट ताकत होती है, उसे बाहर लाने की आवश्यकता है, उसे भी सोशल मीडिया की शक्ति से जोड़ने की जरूरत है। साथियों, एक और विषय है, भारत का इन्फ्लुएंस भारत के बाहर और ज्यादा बढ़ाने का। आज दुनिया में आप में से जो भी परिचित होंगे विश्व के साथ, आज भारत का तिरंगे का बहुत आन बान शान है, भारत के पासपोर्ट की आन बान शान है कि नहीं है? है ना? आपने देखा होगा यूक्रेन से बच्चे जब निकल रहे थे, तिरंगा झंडा दिखा दिया, काम चल जाता था जी। ये सामर्थ्य ऐसे ही नहीं आया है दोस्तों, ये सामर्थ्य ऐसा ही नहीं आया है, इसके पीछे एक मिशन बोर्ड में तपस्या की गई है। दुनिया में आज वातावरण बदला है,